from Anandya High School. So as we know that today is World Environment Day. So इस दिन हमें बहुत ज़्यादा plans लगाना चाहिए. जैसे कि हम सब जानते हैं कि climate change it's a big problem. Nowadays it's a big problem. So हम लोग को इसे reduce करना चाहिए as हम लोग promote कर सकते हैं sustainable development को और हम लोग अपना 100% दे सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और ट्राई करें कि जैसे कि हम लोग वो बहुत ज़्यादा भी एसी ट्रीज एंड बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे मीथेन गैस जनरेट हो रहा है, CFC जनरेट हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड दैट इफेक्ट्स द ओजोन लेयर ऑल्सो. सो ओजोन लेयर वो फट भी रहा है और उसकी वजह से यूवी रेज वो डायरेक्ट आ रहे हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है. एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी टेम्परेचर 45 डिग्री पे चल रहा है तो वो हमारा ही कहीं ना कहीं दैट इज़ आवर प्रॉब्लम. सो वी शुड डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस दिस एंड यस वी ऑल हैव टू फाइट अगेंस्ट इट एंड या थैंक यू सो मच. डे है जब 1972 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का यूनाइटेड नेशन के स्टॉकहोम में शुरुआत की गई थी और उसके बाद से 1973 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया. एक दो बातों को खासतौर पर जानना है इस परिप्रेक्ष्य में जो आज हम लोग यहाँ पे हैं. आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़ सुना होगा जंगल के हाथी जो है वो ध्रुवा की तरफ टहल रहे थे. 1 अप्रैल 2004 को जंगल के सारे हाथी फिलहाल पे थे. आज से 2 साल पहले जंगल के हाथी कांके में थे. कभी आपने ये सब चीज को समझा है कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सृष्टि में जो इकोलॉजिकल चीजें होती है दैट इज द रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट. बायोटिक मीन्स यू नो वेरी वेल अबाउट इट इज द लिविंग थिंग्स जैविक जिसको कहते हैं जीवित चीजें और एबायोटिक कॉम्पोनेंट दैट मीन्स दे हैव द लैंड वाटर एंड सॉइल. This is the relation between to the each other. We can say this is the environment of the ecological system of this the earth. इसको आपको समझना पड़ेगा. जैविक और अजैविक चीजों का जो घटक होता है that is the mean of the पर्यावरण. कुछ वर्ष पहले हमें काम करने का मौका मिला था 2-3 लोगों के साथ जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन सुंदरलाल बहुगुणा जी कोरोना में वो नहीं रहे. इसके अलावा MC मेहता सुप्रीम कोर्ट लॉयर खासतौर पे इन्वायरमेंट से कंसर्निंग जो बातें हुई उसमें एक चीज साफ तौर पे पता चलता है कि अगर वेन वी विल नॉट कंजर्व द नेचर डेफिनेटली वन डे वी विल डाई. अगर हम लोग नेचर को कंजर्व नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक दिन मरना होगा. झारखंड में जो जंगल का जो क्षेत्रफल है वो 28% है और किसी भी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए 33% जंगल का होना अनिवार्य है. अभी मैंने कुछ मिनट पहले कहा था कि जंगल के हाथी फिलहाल पे आ गए थे. जंगल के हाथी 2 दिन पहले विधानसभा के पास आ गए थे. इसका मतलब ये नहीं हम डिस्कवरी चैनल देखकर ये समझ जाते हैं कि काफी मजा आ रहा है किसी जानवर को देखते हुए. बट इन दिस परिप्रेक्ष्य में जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आप रहते हैं उसमें यह जानना जरूरी है कि व्हाई दैट एलिफेंट केम टू दिस प्लेस. वी आर गोइंग टू द फॉरेस्ट. अगर मैं जंगल पे जाऊंगा तो वो कहां जाएंगे? हाथी जैसे जो बड़ा जानवर है जिसको हाइडिंग चाहिए, छाया चाहिए, जिनको 250 kg पर डे खाना चाहिए, जिनको 150 लीटर मिनिमम वाटर चाहिए, उनके पास वो नहीं है तो वेयर दे विल गो. इन दैट केसेस वेयर दे विल गो एंड वेयर दे विल सर्व द वाटर एंड फूड. तो इनकी अवेबिलिटी यानी कि कहीं ना कहीं उन जानवरों के ऊपर में इसका साया आने लगा है. पर्यावरण के जो हम लोगों का दबाव बढ़ते चला गया पर्यावरण के ऊपर में तो अगर इस दृष्टि को अगर हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे, अगर हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, लैंड रिस्टोरेशन नहीं करेंगे, जो आपने जो टॉपिक है डिजर्टिफिकेशन या तो ड्राउट के बारे में, आपको मालूम है कि लैंड के 2 इंच अर्थ का जो ऊपर का सॉइल बनता है उसको बनने में 2000 साल लगता है और हम लोग उसको लैंड रिस्टोरेशन को बिल्कुल बिना मतलब का ग्रेजिंग करके या तो उसको हद से ज्यादा उसको उपयोग करके उन सारी चीजों को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं. तो आने वाले दिनों में इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा. हम सारे लोग को इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके में वरन लेना होगा कि
हम इस पर्यावरण को बचाएं और इस पर्यावरण में को बचाने के साथ साथ हर लोगों को जागरूक करें, अपने परिवार के लोगों के, अपने अगल बगल के लोगों के, अपने समाज को और अपने राज्य और देश सारे लोगों को जागरूक करें और एक अच्छे इंसान बनकर हम अपने पर्यावरण